हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ राशिश। तो आज हम लोग कुछ लेकर आए आर रेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज, जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी मूवीज है जो आप लोग जितनी बार भी देखोगे उतनी बार आपको कुछ नया अनोखा लगेगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस तरीके की फिल्में नहीं देखी है तो आप लोग समझ लेना कि आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। तो ये कौन सी मूवीज है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन उसे ही प्रेस कर दो। शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। पहली मूवी है मिस्टिक रिवर। ये मूवी आई थी 2003 में। इसमें हमें मेन लीड में नजर आते सीन पैन, टीम रॉबिन्स, केविन बेकॉन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड ने। ये एक मर्डर मिस्ट्री पर बनी मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है 1975 से, जहां हमें टीन बेस्ट फ्रेंड्स जिम, शीन और डेव बताए जाते हैं। फिर जैसे वक्त आगे बढ़ता है तीनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 20 साल बाद तीनों फिर से रीयूनाइट होते हैं। वजह, जिमी की बेटी का मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर किया किसने है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, प्लस एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे। इस मूवी को गलती से भी मिस ना करें। अगली मूवी है मिस्री। ये मूवी आई थी 1990 में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रॉब रेनर ने। ये बेस्ड है स्टेफन किंग की नॉवेल पे, जिसका नाम भी मिजरी था। इस मूवी में हमें जेम्स कैन, कैटी बेट्स, लॉरेन बेकॉल, रिचर्ड फर्न्सवर्थ नजर आते हैं। ये एक ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है। कहानी शुरू होती है पॉल से, जो एक फेमस नॉवेलिस्ट है, पर एक दिन उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उन्हें बचाती है एनी विल्किस, जो पहले नर्स का काम करती थी। एनी पॉल की बहुत बड़ी फैन होती है, लेकिन आगे कुछ ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट होता है जिसके बाद ये मूवी आपको डराने में कामयाब होती है। ये मूवी आप जरूर देखें। अगली मूवी है बेसिक इंस्टेंट। ये मूवी आई थी 1992 में। ये एक इरोटिक थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है पॉल वेरो इवन ने। माइकल डगलस और शेरॉन स्टोन इसमें मेन लीड में नजर आते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है निक यानी माइकल डगलस से, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक रॉक स्टार का मर्डर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है कैटरीन से, जिसका रोल यहाँ शेरॉन ने निभाया है। कैटरीन उस मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट होती है, लेकिन फिर भी निक और कैटरीन एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं। दोनों में काफ़ी इंटीमेट सीन्स भी बताए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे यही देखना है कि आखिर वो मर्डर किया किसने, कैटरीन या कोई और। ये भी आपको एक दिलचस्प मूवी नजर आएगी। तो अगली मूवी है द डेविल्स एडवोकेट। ये मूवी आई थी 1997 में। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है टेलर हैकफोर्ड ने, और इसमें मेन लीड में नजर आते हैं कियानू रीव्स, अल पैकिनो और चार्लिज थेरॉन। ये कहानी एक लॉयर की, जिसका रोल यहाँ प्ले किया है कियानू रीव्स ने। वो मैरिड है, उनकी वाइफ का रोल प्ले किया है चार्लिज ने। कियानू रीव्स को न्यूयॉर्क के बड़े फॉर्म में नौकरी मिल जाती है और रहने के लिए एक घर। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कियानू की वाइफ को घर में कुछ अजीब शैतानी महसूस होता है। अब आखिर वो ऐसा क्या महसूस करती है वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सुपर नेचुरल हॉरर मूवीज बनने वाली में ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है। आखिरी मूवी है अमेरिकन साइको। ये मूवी आई थी 2000 में, और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है मैरी हेरॉन ने। कहानी एक नॉवेल पर बेस है, जिसे लिखा था ब्रेट ईस्टन एलिस ने। मूवी की शुरुआत होती है पैट्रिक से। पैट्रिक का रोल प्ले किया है क्रिस्टियन बेल ने। दोस्तों, ये कहानी है न्यूयॉर्क सिटी के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर पैट्रिक की। पैट्रिक मूवी की शुरुआत में ही काफ़ी मर्डर्स कर देता है, पर आखिर उसकी ये सब करने की वजह है क्या, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जितनी सिंपल कहानी लग रही है, उतनी ही जब आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। तो ये वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज़ है मेरे कलेक्शन में। अगर आप लोग को ये सारी की सारी मूवीज़ के बारे में आपको जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग को कुछ ऐसी मूवी का रिव्यू जानना है कि आप लोगों ने उससे पहले वो मूवी को नहीं देखी है, तो मुझे कमेंट में उस मूवी का नाम बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका रिव्यू करने की। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में।